वेलकम टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल 10th क्लास मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वीडियोस का अपलोड इन प्रोसेस है। इसमें एक्सरसाइजेस 2.1, 2.2, 2.3 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 अपलोड होगा, एक्सरसाइज है 2.4। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहां पे आपके पास है ये 4x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब इसके 4 पार्ट्स हैं। पार्ट फर्स्ट, वन अपॉन अल्फा, वन अपॉन बीटा, इट इज 4x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। यहां पे a का वैल्यू आपके पास है 4, p का वैल्यू माइनस 5 है और c का वैल्यू पॉजिटिव 6 है। ये आपने वैल्यूज ले ली। इसके बाद सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है जो कि माइनस b अपॉन a है, और सम ऑफ द रूट्स ये सम ऑफ द रूट्स जो कि अल्फा प्लस बीटा हैं। अभी इसमें जब वैल्यूज प्लग करेंगे तो ये माइनस फाइव इंटू माइनस, तो ये प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5 अपॉन ए का वैल्यू 4 है अपॉन 4। 5 अपॉन 4 विल बी द सम ऑफ द रूट्स। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात जब करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपके पास अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा मीन सी अपॉन ए, तो सी का वैल्यू आपके पास है 6 और ए का वैल्यू है 4। इसको आप लिख देंगे 6 अपॉन 4। जब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे रूट्स पी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 will be the answer. अब ये 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा जो कि आप एलसीएम होंगे हमारे, जिसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। ये बेसिकली मैंने एलसीएम लिया था, अच्छा हुआ इसका कलर भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। और अभी मैं सबको इसको कर देता हूँ रेस। अब आपने
1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा में आपके पास एलसीएम के बाद अल्फा बीटा अपॉन बीटा प्लस अल्फा आता है, तो मैंने इसको अल्फा प्लस बीटा लिख दिया है। ये चूंकि प्लस हो रहे हैं तो इसलिए सेम चीज है। अभी आपके पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ चुका है जो कि ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5/4, 5/4, और आपने अब यहां पे डिवाइड करना है अल्फा बीटा का वैल्यू के साथ। अभी मैं आपको डिवीजन का साइन जो है वो लगा देते हैं। ये डिवीजन का साइन है, ये इंसर्ट किया यहां से, इसको कर दिया क्लोज, और अल्फा बीटा के वैल्यू के साथ हम इसको करेंगे डिवाइड, दैट इज 3/2। अब यहां पे आपके पास जो आंसर आएगा वो 5/4, और इसके बाद आप डिवीजन के साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन के साइन में, और नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 3। अब आपने इनका करना है सिंपलीफाई करेंगे इसे। जब सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट जो फ्रैक्शन है 5/4 है, और इनटू मल्टीप्लाई 2/3 है, तो ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2s are 4 हो जाएंगे, और आपके पास बचेगा न्यूमिरेटर में 5/3, 2s are 6, 5/6 विल बी द आंसर। इसका मैं कलर कर देता हूं चेंज ताकि थोड़ा सा आपका आंसर आइडेंटिफाई हो सके। Like this. अभी सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में आपके पास जो क्वेश्चन है वो है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और ये आप खत्म कर दीजिएगा। अब जो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो हम इसके फाइंड कर चुके हैं, तो मैं ऊपर से ही उसको करता हूं कॉपी। और यहां पे इसका मैं पहले स्क्वायर डाल देता हूं, बल्कि इसको कॉपी कर लेते हैं, पहले उसको मैं कॉपी कर देता हूं जो कि हम सम और प्रोडक्ट निकाल चुके हैं, ये अप टू दिस, यहां तक ये वाला पोर्शन उधर ही ऐसे ही यूज होगा लाइक दिस। अब ये सम ऑफ द रूट्स जो है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, 5/4 है हमारे पास सम, इसका आंसर ये बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं, इसको करीब कर देता हूं, और ये प्रोडक्ट जो है वो उसका
थोड़ा सा मैं डालता हूँ स्पेस ताकि ये अच्छा हो जाए, और साथ में इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि ये आपका आंसर जो है वो आइडेंटिफाई हो जाए लाइक दिस। अभी आपके पास ये आ चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हैं और साथ में आपके पास सम ऑफ रूट्स भी हैं 5/4। लेकिन इस केस में हमें अल्फा बीटा होल स्क्वायर है, इसको हम रीराइट क्लिक करेंगे, इट विल बी लाइक दिस। ये मैं इसको इसका किया स्क्वायर खत्म, और अभी इसको मैं रीराइट जब करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा बीटा अब होल स्क्वायर हो जाएगा लाइक दिस। तो इट मीन के अभी हमने अल्फा बीटा का तो वैल्यू जो कि प्रोडक्ट की शेप में हमारे पास मौजूद है वो है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 3/2। इट मीन आप क्या करेंगे 3/2 का ले लेंगे स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा 3 3 9 और 2 2 4, 9/4 will be the final answer. ये part 2 का आपका answer आ गया। अभी part 3 के लिए आप देखें, part 3 में जो आपके पास roots हैं वो है 1/, इसको मैं यहां से कर देता हूँ खत्म, ये आ जाएगा 1/ और alpha square है जिसको मैं स्क्वायर डाल देता हूँ, बल्कि ये अल्फा का लेना है मैंने स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास है जी 1/ अल्फा बीटा स्क्वायर। ये मैं इसको कॉपी करके बीटा को बाद में लिख देता हूँ, यहाँ से कट किया, ये अब ये बीटा स्क्वायर। अब इसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आपका आएगा एलसीएम, सबसे पहले जो आपने इनका रूट्स और सम ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं वो आप पहले लिख दें, यहां से करें कॉपी, ये चूंकि सेम है इसके अंदर कोई चेंज नहीं है इसलिए मैंने उसी को ही, ये ऊपर भी मेरा मिस्टेक होगा नहीं, यहां ठीक है ओके। अब इसमें आप कलर इसके चेंज कर दें, और इसको मैं रेड कलर कर देता हूं, यहाँ पे इस केस में आपके पास सम ऑफ द रूट्स वही है 5/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो भी 3/2 सेम है। अब आप क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर विल बी द एलसीएम, और न्यूमिनेटर में आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मैं स्टार्ट करता हूँ और ये यहाँ से बल्कि कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से ना, ये यहाँ से कॉपी करते हैं, ये कॉपी किया और ये आप आपके पास आ जाएगा, और ये ब्रैकेट करें आप क्लोज और अपॉन,
अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये ब्रैकेट कर दिया क्लोज, ये मैंने एलसीएम लिया है बेसिकली, अल्फा स्क्वायर और अल्फा बीटा होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू मौजूद है। अल्फा प्लस बीटा आपके पास है 5/4, यहाँ नोट कर दें आप 5/4, और उसके बाद आपने ये, चूंकि अपॉन मीन डिवाइड का होता है, साइन डिवीजन का साइन डालेंगे, ये आपने साइन डाला, डिवीजन का साइन यहाँ से मिल जाएगा और इसको उसी तरह कॉपी कर लेते हैं। बल्कि इसमें वैल्यूज चाहिए, अल्फा बीटा का वैल्यू आपके पास 3.22 है, तो आप डालेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद 3/2 देन होल स्क्वायर, नेक्स्ट आपके पास है 5/4 सॉरी 4, और यहां से डिवीजन का साइन डालेंगे आप, और 3 3 9 अपॉन 2 2 4। नेक्स्ट में आप 5/4 उसी तरह लिख देंगे और डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो 4 ऊपर लिख दिया जाएगा और 9 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएंगे, और 4 और 4 का आपस में हो जाएगा कैंसिलेशन, देन 5/9 विल बी द फाइनल आंसर। अब मैं इसका जरा कलर स्कीम दे देता हूँ, क्योंकि रनिंग में आए थे तो कलर का जरा थोड़ा सा इसमें मसला आ गया था, ये सेम कलर हो गया, देन इसका अगेन मैं इसको चेंज कर देता हूँ कलर को, तो इट विल बी लाइक दिस, देन अगेन इसको और कलर में दे देते हैं, दैट विल बी द ग्रीन वन, और उसके बाद आप इसको मैं ये कलर देता हूँ, और साथ में आपका जो आंसर है इसको कलरफुल करने के लिए ये आपका फाइनल आंसर हो गया। पार्ट 3 था जी, क्वेश्चन 2 का जो सॉल्यूशन है वो इन प्रोग्रेस है और 2.4 एक्सरसाइज है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4, अभी इसको जरा कलरफुल कर देते हैं, ये मेरे ख्याल अप्रोप्रिएट रहेगा, कलर अच्छा लग रहा है। इस पार्ट में आपके पास अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, अब मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, इसको ही कॉपी करते हैं ताकि नए जो है ना वो ना लगाने पड़े। अब इस अल्फा को कॉपी करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में इस, बल्कि पहले है अल्फा, अल्फा का स्क्वायर है, बल्कि इसमें इसको इज इक्वल टू मैं डाल देता हूं ताकि मसला ना है। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और देन
बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के लिए आपके पास चूंकि उसी क्वेश्चन का पार्ट है, तो क्या करेंगे कि उसके प्रोडक्ट और सम जो ऑफ रूट्स हैं उनको कॉपी करके यहां पर लगा देंगे। यहां पे कलर स्कीम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये आपके पास आ गए जी प्रोडक्ट, यहाँ भी इसको इज इक्वल टू का साइन देते हैं, सॉरी ये बोल के एक स्टेप पीछे लाइक दिस, ये प्रोडक्ट भी आ गया और बस सम सम ऑफ रूट्स भी अवेलेबल है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो है लाइक दिस, जो हमें फाइंड करने रूट्स अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इसमें अल्फा बीटा इसका आ जाएगा आंसर, और सॉरी अल्फा बीटा इसका आ जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट अल्फा क्यूब, मैं इसी को कर देता हूँ यहाँ पे, इसको चेंज कर देते हैं, ये अल्फा क्यूब हो जाएगा, देन ये एलसीएम मैंने ले लिया है, ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, सॉरी इसको चेंज कर देते हैं, अपॉन अल्फा बीटा जो कि हमने इसका एलसीएम लिया था, अभी इसको मैं चेंज कर देता हूं लाइक दिस। अब ये इस पे ए क्यू प्लस बी क्यू वाला जो फार्मूला लगेगा ये मैं लिख देता हूँ आपको, वैसे मैंने इसमें वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वहाँ भी आप फार्मूलाए जो है वो देख सकते हैं। ये इज इक्वल टू ये होता है ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। जिसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ लाइक दिस, ये आपका हो जाएगा जी फार्मूला, फार्मूले का कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, ये फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ के यहाँ पे, तो इसको हमने बल्कि इसको मैं यहाँ तक यहाँ से तक कॉपी करता हूँ, कॉपी करके ये जब इसको ओपनिंग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, देन ब्रैकेट स्टार्ट अल्फा स्क्वायर और ये बी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा होंगे, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ लाइक दिस। ये आपका
आ जाएगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा को क्यूब को जब मैं उसका सॉल्यूशन निकालता हूं ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी यहां पे हमने डिवाइड का साइन डालना है क्योंकि अल्फा बीटा इसके साथ डिवाइड हो रहा है। आप जाएं सिंबल में और आंसर लें जीर अल्फा बीटा, अल्फा बीटा यहां से करें कॉपी और इसको यहां से पेस्ट कर दें। ये काम करने के बाद आपके पास वैल्यूज अवेलेबल हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी अवेलेबल है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा ये आपको मजीद सिंपलीफाई करना पड़ेगा और इसका देन आपको वैल्यूज प्लग करना होगा। वैल्यूज प्लग करने के लिए करने के बाद मैं इसका जो सिंपलेस्ट आंसर है वो दे रहा हूं, ये आपको पास आ जाएगा माइनस 235 डिवाइडेड बाय 96, ये आपका सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। अभी इसका मैं कलर स्कीम चेंज कर देता हूं। ये हो जाएगा और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज करके ये ले आते हैं। इसके साथ ही ये आपका जो वीडियो था क्वेश्चन नंबर 2 पे कंप्लीट हो रहा है, चारों पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं। और अगर आप रिव्यू करना चाहें तो यू कैन डू, और अगर आप इसको आप राइट डाउन करना चाहें तो आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। ये मैं बताता चलूं कि ये आपका यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग इज द नेम ऑफ माय चैनल। ये एजुकेशनल बेसिकली प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास जिसमें यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है और फेसबुक ग्रुप है। तो नेम इन सब का एक ही है, दैट इज़ यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे वीडियोस और चैनल के ऊपर काइंडली कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कोई चॉइस का वीडियो है तो मुझे बताएं, वो मैं आपको अपलोड कर देता हूँ। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो मेरे चैनल में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ये 10th क्लास मैथमेटिक्स है, यूनिट नंबर 2 है और थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.4। तो इसमें मैं कलर इसका चेंज कर देता हूं। ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ पार्ट ए में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू फाइंड करना था। इसमें ए का आपके पास कोएफिशिएंट 4 है, सॉरी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, तो ये ए का वैल्यू होगा और बी का वैल्यू माइनस 5 है। और इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये मैंने आपके पास सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा होते हैं जो कि माइनस बी अपॉन ए है, और इसी तरह इसमें थोड़ा सा स्पेस कम कर देते हैं और इसका स्पेस ज़रा बढ़ा देते हैं और इसको थोड़ा सा पीछे भी ले आते हैं लाइक दिस। और ये मैंने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाले हैं अल्फा बीटा सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 6.4 है क्योंकि सी का वैल्यू 6 है और ए का वैल्यू 4 है। अब आपने 6 और 4 को देखना कि एक ही टेबल में है तो आप 2 के साथ इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 3.2 आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी मिल गया। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू, ये सबसे पहले एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा इसका एलसीएम लेंगे तो बीटा प्लस अल्फा आएगा, तो मैंने इसको अप्रोप्रिएट करके लिख लिया है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा एक स्टैंडर्ड में है, अगर बीटा प्लस अल्फा भी लिख लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी मैंने वैल्यूज को प्लग किया है, वैल्यूज प्लग करने के बाद
ये अगर आप नीचे लेके कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ये लाइक दिस, इसको प्लस में निकाल देता हूँ, ये लाइक दिस। अभी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 6 इज द आंसर। इसी तरह पार्ट टू है, पार्ट टू के अंदर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू अपने फाइंड करना है। सम ऑफ द रूट्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 5.4 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो भी हम फाइंड कर चुके हैं सी अपॉन ए दैट इज 3.2, ये हम पहले पार्ट में ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। लाइक दिस अब बराबर हो जाएगा। अभी मैंने इसको ये एक सेम कलर कर लेता हूँ सारा, ये मैंने अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिख लिया। अल्फा बीटा के आंसर हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अवेलेबल हैं 3.2, तो उसके बाद स्क्वायर लेंगे 9.4 विल बी द आंसर। जो पार्ट थ्री है इसके अंदर 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा है प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास सेम है। ये करने के बाद आपने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम बेसिकली इसके अंदर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, उसको मैंने होल में लिख लिया, अल्फा बीटा होल स्क्वायर अलग-अलग से भी लिख सकते हैं एक स्टेप के ऊपर और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देन मैंने वैल्यूज को प्लग किया 5.4 डिवाइड कर रहा हूँ इसका अपॉन मीन। फ्रैक्शन में जब हम चीज लिखते हैं न्यूमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा होता है तो मैंने डिवीजन का साइन डाला और ये 3.2 इसके अल्फा बीटा के रूट्स हैं। देन वैल्यू है अल्फा बीटा का, देन 3 3 9 2 2 4 और उसके बाद मैंने डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया। देन ये वाली जो फ्रैक्शन होती है डिवीजन के बाद वाली वो रेसिप्रोकेट हो जाती है, अब 4 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, 4 और 4 का आपस में कैंसिलेशन हो जाएगा बीइंग इन न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 5 अपॉन 9 विल बी द आंसर। अब है पार्ट 4, ये लास्ट पार्ट है, इसमें अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, सम ऑफ द रूट्स जो कि ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है हमने फाइंड किया हुआ है वो आप लिख देंगे, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 5.4 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी अल्फा बीटा सी अपॉन ए तो जो कि 3.2 है। देन आप अल्फा स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, जब इसका एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा आंसर आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा न्यूमिनेटर में आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसके ऊपर आप लगाएंगे अप्रोप्रिएट फार्मूला। देन आप इसकी वैल्यूज चूंकि ऑलरेडी हमारे पास हैं, यहाँ थोड़ा सा वो वर्किंग में थोड़ा सा मसला शो हो रहा था इसलिए वो मैंने पूरा वर्किंग नहीं किया, तो आप इसके वैल्यूज को प्लग करेंगे, वैल्यूज प्लग करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा -230/35/96। अगर आपको मेरी ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड हों तो उसके लिए मेरा सेल नंबर नोट कर लीजिएगा 0321-583-8264। Thank you very much.